आवाज़ सारे पाकिस्तानी हैं जी, तो मुस्लिम हैं सारे ओके सर मुस्लिम है ना हिंदू तो नहीं हूँ पैदाइश तो हिंदू फैमिली में हुई है अच्छा और नहीं तो फिर हर मजहब को मानना नहीं पड़ता ना इस वक्त हम जो मुसलमान हैं ना वो भी अपनी मजहब से बेजार हैं हमारे मजहब में भी पता नहीं कितनी फैसले हो गए हैं कोई कहता है ये काफर है वो कहता है उसको मुनाफिक वो कहता है उसको मुशरिक वो कहता है उसको यहूदी हम तुमको क्या कहें उनको अपनी पड़ी हुई है इस वक्त सबका फ़र्ज है कि पहले सिरात मुस्तकीम की तलाश करें खा मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है फिर उस रास्ता मिले ना पहले फिर गाड़ी चलाए ना अब वो जो पहले मुसलमान की बात मानते थे ना अब अगर आप एक मुसलमान की बात मानेंगे तो दूसरा तो कुछ और कहेगा अफ्रीका के कुछ लोग आए हमारे पास तालिब इल्म वो कहने लगे हम पहले ईसाई थे फिर मुसलमान हुए फिर ईसाई हो गए इसकी वजह कि इसकी वजह ये है कि हमारे पास शाह अहमद नूरानी की जमात गई उन्होंने तबलीग करी जब तबलीग करी तो हमारे बहुत से आदमी जो है ना वो उनकी तरफ हो गए उनकी तरफ हो गए मुसलमान हो गए उन्होंने एक मस्जिद भी बनवा के दी एक इमाम भी उसमें हम रखना दिया बहुत खुश हम मुसलमान नमाजें पढ़ें कहते हैं फिर एक और जमात गई मुसलमानों की हम तो उसके गिर्द इकट्ठे हो गए उन्होंने पूछा कि तुम कौन से मुसलमान हो कौन से तो हम तो सोच में पड़ गए कि हम कौन से मुसलमान मुसलमान देख ही होते हैं उन्होंने कहा जिस फिरके से तुम हो उसको तो मुसलमान काफर कहते हैं वो काले नहीं पहुंचे ना वो उनको काफर कहती कहा मुस्लिम इनको हमको काफर कहते हैं हम उनको काफर कहते हैं ना कहते हैं उन्होंने अपनी तबलीग शुरू कर दी अब जो मुसलमान हुए थे उनमें से आधे उनके हो गए आधे जो ना वो उनके हो गए फिर एक और जमात चली गई अपनी देवबंदी पहुंच गई फिर उधर उन्होंने कहा वो भी काफर तो ये भी काफर वो कहते हैं हम फिर मुड़ सारे मुड़ के ईसाई हो गए हमें पता ही नहीं चलता है कि मुसलमान क्या अब इस वक्त जरूरी है कि मुसलमान को भी पता चले मैं सुन्नी हूँ शिया हूँ सही हूँ या गलत हूँ अब इस वक्त सुन्नी कहता मैं सही हूँ सुन्नी कहता ना शिया कहता मैं सही हूँ लेकिन अक्सरियत सुन्नी कहते हैं कि हम सही हैं हमारी नज़रों में वो सही है जिसके अंदर अल्लाह का नूर हाँ वो सुन्नी है या शिया या वहाबी है और जिसमें अल्लाह का नूर नहीं है बस बाहर से तोता है अंदर से काला है अब वो हर मजहब के लिए ज़रूरी है कि पहले आप वो अल्लाह ही से रब्ता करें भाई जिसने ये मजहब बनाए हैं पहले उसी से रब्ता कर लो ना अब नीचे ये मसला हल नहीं होता है तो जिसने मसला बनाया ईजाद करी उसी से पता कर लो ना कि अब हम किधर जाएं क्या करें अब उससे रब्ता कैसे होता है फिर नमाज रोज़ा उसके लिए नहीं है वो उससे रब्ते के लिए नहीं है नमाज रोज़ा जन्नत के लिए पिछ सवाल कहते हैं कि नमाज रोज़ा कम सुठो ओ रास्ता कोई दूजो अब भी हमको उस दूसरे रास्ते की तलाश है अब अल्लाह से रब्ता कैसे होगा यही एक राज है देखें नमाज रोज़े से रब्ता होता सारे नमाजी अल्लाह वाले ना होते अगर सारे अल्लाह वाले होते तो एक दूसरे को काफर क्यों कहते अल्लाह से जो रब्ता होता है वो दिल से होता है अल्लाह और तुम्हारे दरमियान जो टेलीफोन है ना ये दिल है अब इस दुनिया में निज़ाम जो है ना वो बिजली का है उस दुनिया में निज़ाम जो है ना वो नूर का है यहाँ मोबाइल फोन पड़ा हुआ है उसमें बिजली है वहाँ से लहरें उठती हैं अमेरिका तक जाती हैं बिजली की लहरें अगर कहीं नूर होगा
तो उसकी लहरें उठेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? अगर मसनूर की लहरें उठेंगी तो वहीं जाएंगी ना, अर्श मौला तक जाएंगी ना। अब रहा सवाल वो नूर बनेगा कैसे, फिर वो नूर कैसे बनेगा? एक सिख ने कहा कि तुम लोग कहते हो कुरान में नूर है, कहते हो ना, सारे कहते हो ना कुरान में नूर है। तो सिख ने कहा मैं तुम्हारा कुरान पढ़ता रहा, मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, जासूस बन के रहा, अगर कुरान में नूर होता तो मेरे अंदर क्यों नहीं आया? तो ईसाई ने कहा मैं भी तुम्हारे कुरान का शब और रोज मतालिया करता हूँ, अगर उसमें नूर होता तो मेरे अंदर क्यों नहीं आया? तो हमने उनको कहा कि तुमने दिल से नहीं यही कह सकते थे ना, या और कुछ सवाल आता बताओ मैं उनको क्या कहता? यही कह सकते तुमने दिल नहीं से पढ़ा। वो कह लेते तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो फिर उनके दिलों में नूर क्यों नहीं गया अगर इसमें नूर है तो? अगर उनके दिलों में नूर होता तो वो एक दूसरे के मुखालिफ क्यों ना होते? क्यों होते? सारे नूर ही होते ना। बात तो सही थी। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कुरान में नूर नहीं है, नहीं कह सकते ना। हाँ, लेकिन उनकी दलाइल भी हमारे पर सही आते हैं। कुरान में वाकई नूर है, लेकिन किसी किसी को नूर हासिल करने का तरीका है। पानी में बिजली है, लेकिन किसी किसी को पानी से बिजली निकालने का तरीका आता है। इसी तरह किसी किसी को कुरान से नूर निकालने का तरीका आता है। आप कुरान पढ़ते होंगे ना, आपके अंदर नूर नहीं गया ना, आपने नूर हासिल करने का पता ही नहीं है ना, कोई चीज़ आपस में टकराती है, पानी पानी से टकराता है, बिजली बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है, चिंगारी उठती है, कुरान की आयतें जब आयतों से टकराती है तो नूर बनता है ना। तो तुमने कभी टकराव किया आयतों का आपस में? कभी भी नहीं किया ना। और जिन लोगों ने किए टकराव वो अमल हो गए ना, सूरत मजम्मल का अमल होता है, बार बार सूरत मजम्मल को पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, उसके टकराव से वो अमल बनता है ना। लेकिन चूंकि वो जबान से पढ़ता है ना, तो जबान में नूर निकलता है, फिर जो उसकी मखलूक होती है वो उसके काम आता है। ये तो अमल हो गया ना, अल्लाह तक ये नहीं पहुंचा, ये मखलूकों तक पहुंचा है। अब उस नूर को अंदर जमा करना है। अब वो अंदर जमा कैसे होगा? तुम्हारे अंदर दिल की धड़कने हैं, वो दिल की तस्बीह है, वो भी टिक टिक कर रही है, फिर उन दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह को मिलाते हैं। जब धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलता है ना, टिक टिक के साथ जब रगड़ा लगता है ना, तो उस रगड़े से फिर नूर बनता है। अल्लाह 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 साथ टिक टिक रगड़ बन गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूध को रगड़ा देते हैं मक्खन बन जाता है। और जब रगड़ा लगा ना तो फिर अंदर नूर बना। ये तस्बीह का नूर अंगुलियों में, ये जो नूर जुबान वाला पढ़ने वाला ये बार, वो जो दिल की धड़कनों के सुन नूर बना ना, तो वो तुम्हारे खून में गया ना, खून से फिर नसों में गया ना, नस नस में गया ना, तो नसों से तुम्हारी रूह में चला गया ना। जब तुम्हारी रूह तक नूर पहुंचा तो फिर रूह भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी ना, वो तो भूखी प्यासी अंदर इंतजार में कुछ खुराक आए बाहर से। फिर जब उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, फिर तुम सोते रहना अल्लाह अल्लाह होती रहेगी, तुम कब्र में चले जाना वो रूह वहां भी अल्लाह अल्लाह करेगी, यौम महशर में भी ये रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी, क्योंकि इसने यहाँ अल्लाह अल्लाह सीख लिया ना, अब वहां भी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना। फिर तुम्हारा दर्जा यौम महशर तक कितना बड़ा हो जाएगा अल्लाह। फिर वो जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह हो रही है, रूह भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, वो फिर नूर बनना शुरू हो जाएगा, और नूर सारा फिर दिल में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि नस में या खून में चला जाना ना, खून वापस मुड़ के दिल में जाता है, सब नस नस में जाके फिर दिल में जाता है, और नूर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर यह इकट्ठा हो जाएगा ना, तो फिर इसकी लहरें यहाँ से उठेंगी तरश मौला तक जाएंगे। ये तुम्हारा अल्लाह के दरमियान ये टेलीफोन है ना, अब टेलीफोन है, अगर बिजली नहीं है तो बेकार है ना, बिल है, अगर नूर नहीं है तो बेकार है ना। नहीं समझे? अब तुम्हारा इसके जरिए सिर्फ तुम्हारा कनेक्शन हुआ है, अभी बातचीत बकर नहीं है ना, काम तो बहुत जल्दी होगा ना, अगर टेलीफोन कनेक्शन मिला लें बातचीत ना करें तब भी बेकार। जब हजूर पाक शबे महराज में गए तो अल्लाह ताला ने आपको तोहफा दिया,
ये नमाज एक तोहफा दें कि अपनी उम्मत को दे देना, ताकि वो तोहफे मुझे भेजेंगे, मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद रहेंगे। वो तोहफे नीचे आए, मरना क्या जरूरत है? अगर उसको कोई एक नमाज भी ना पढ़े तब उसकी शान तो घटती नहीं है ना, वो तो अल्लाह ही है ना। तो फिर वो क्यों? ये तोहफे एक दूसरे को याद रखने के लिए, जिसे दरबारों में जाते हैं फूल चढ़ाते हैं, दरबार वाले खाते तो नहीं है उसको, ये एक मोहब्बत अकीदत की निशानी है ना, तोहफा है ना। अब वो तोहफे किस तरह ऊपर जाएंगे? अब तुम्हारा हाथ तो यहाँ ऊपर जा नहीं सकता, तुम्हारा ख्याल भी वहां नहीं जा सकता जहां अल्लाह की जात है, तो फिर तुम्हारी नमाज भी ऊपर कैसे जाएंगे? जब तुम्हारे अंदर वो टेलीफोन लगेंगे तो फिर वो तुम्हारी नमाजें उस दूरी टेलीफोन के जरिए अर्श मौला में जाएंगी ना, वो नमाज मोमन का मेराज है ना। तो फिर वो सिर्फ नमाजें नहीं जाएंगी, फिर जो तुम्हारे अंदर रूह अल्लाह कर रही है, एक दिन वो भी ताकत पकड़ जाएंगी, फिर वो रूह जाके अर्श मौला में जाएंगी ना, फिर वो वहां जाके नमाजें पढ़ेंगी ना, तो फिर उस वक्त वो सर नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह जवाब ना दे, कहेगा लबैक या अब्दी, तो फिर वो सर उठाएंगे ना। तो वो जिंदगी में एक ही नमाज मिल जाए जिसमें अल्लाह कह गया तुमको मैं हाजिर हूँ, एक ही नमाज पूरी जिंदगी में मिल जाए तो हजारों नमाजों से बेहतर है ना। तो फिर जब तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह में लग जाती है, फिर 24 घंटे अल्लाह अल्लाह होती रहती है। आपके दिल में कोई भी चीज आ जाए उससे मोहब्बत हो जाएगी ना, आपके दिल में बच्चा है ना जैसे मोहब्बत है ना, लेकिन दिल में अल्लाह अल्लाह आ जाए तो फिर अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना। क्यों जी? जो भी चीज दिल में आ जाए जब अल्लाह अल्लाह करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी ना। जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो वो किसी का एहसान लेता नहीं है, तुम उसे मोहब्बत करो कुछ भी उसके लिए करो वो एहसान नहीं लेता, उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये दे देता भाई, एहसान जताए तो क्यों क्यों दे 10 रुपये फालतू दे देता ना, इसी वजह से उसके लिए एक नेकी करो 10 नेकियों का सवाब दे देता, उसके लिए थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, और जिससे मोहब्बत करता है तो एक वक्त उसको देखता है सवाब में दोस्त, जब उसका जी चाहे मोहब्बत करने वाले को फिर देखेगा, फिर जब वो उसको देखता है फिर वो मोहब्बत नहीं, फिर वो इश्क का मकाम है ना, मैं तेरा और तू मेरा। अब जब तुम्हारे दिल में नूर होगा, वो मैग्नेट पहाड़ है मगरब में, यहाँ कुतुब नुमा है, जिस तरफ भी लेके जाओ रुख इसका उधरी है, अगर तुम्हारे दिल में नूर आ गया फिर तुम जिस मजहब से या जिस फिरके से भी हो रुख तुम्हारा उधरी होगा ना। अल्लाह, जब रुख अल्लाह की तरफ हो गया फिर जिधर अल्लाह उधर तुम, फिर अगर अल्लाह का अपना मजहब तो है ही कोई ना, ईसाई है ना मुसलमान है ना, उसका अपना मजहब भी कोई है ना, वो जैसे बंदे देखता है ऐसा मजहब बना देता है ना भाई, तौरात वालों के लिए और मजहब बनाया, जबूर वालों के लिए और बना लिया, अंजीर वालों के लिए और बना लिया, और कुरान वाला का मजहब और बना लिया, फिर उसका अपना मजहब क्या है? उसका मजहब क्या है? उसका मजहब इश्क है, वो नूर है जिसमें नूर पैदा हो जाता है उसमें उसको उसका हो जाता बस। अगर तुम्हारे में नूर हो गया तो मुश्किल हो गए, अगर तुम्हारे में नूर नहीं है फिर भले मुसलमान हो तो भले ईसाई हो तो भले कुछ हो, उसकी नजरों में सब बराबर हो। सिर्फ फर्क इतना क्या कि वो जो है दज्जाल के गधे पे चढ़ा हुआ है और ये ईसा अलैहिस्सलाम के गधे पे है, दोनों गधे पे है, दोनों अंदर से गधे हैं। सिर्फ ये कि ईसा का गधा है और दो दज्जाल का गधा है, तो गधा ना। और जब वो देखते है ना, वो इन दाढ़ियों को नहीं देखता, यकीन करो तस्बीहों को नहीं देखता, दाढ़ियों को नहीं देखता, शक्लों को नहीं देखता, कहता मैं कलमों और नियतों को देखता। अगर तुम बाहर से बहुत बड़े मोमिन सही, बड़ी बड़ी दाढ़ियां सही, अंदर तुम्हारे काले हैं, रब से बहुत ही तुम दूर हो। अगर तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं है, अंदर से तुम सफेद होगे तो रब तुम्हारे अंदर है। जिन लोगों ने रब को पाया ना, इन दिलों से पाया ना। अब यहाँ कई लोग होंगे सिलसिले वाले, नक्शबंदी चिश्ती कादरी सरवर्दी होंगे ना, अब पहले इनसे पूछो, पाकिस्तान में ज्यादा हनफी होते हैं ना, तो वो कहेंगे या मनफी भी हैं। अगर तू हनफी है, हनफी ने तुझे नमाज रोजा सब कुछ सिखा दिया, तू कादरी चिश्ती क्यों हुआ? बात पते ही
ہم تیری شریعت میں سب کچھ سکھا دیتا ہے، نمازیں وغیرہ، تو پھر تو قادری چشتی کیوں ہے؟ وہ انفی نے تجھے نمازیں سکھائیں، زبان کو اللہ اللہ میں لگایا، جب تو چشتی قادری ہوا انہوں نے تیرے دل کو اللہ اللہ میں لگایا نا، تب تو اگر تو صرف نمازیں ہی پڑھتا ہے دل نہیں ہے پھر تو جھوٹا ہے، نہ چشتی ہے نہ قادری، صرف انفی ہے. پہلے زمانے میں اگر وہ کہتا کہ میں نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، لوگ تعظیم لیے کھڑے ہو جاتے. وہ نقش بندی ہے یا اللہ نقش ہوگا نا، نقش بندی کا مطلب اس کے اندر اللہ نقش ہوگا. اب کہتے ہیں میں چشتی بھی ہوں، نقش بندی بھی، قادری بھی، سروردی بھی، لوگ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. زبان سے اندر سے نہیں ہے نا، اس وقت جو ان کے اندر نور ہوتا تھا وہ لوگوں کھڑا کرتا تھا نا. اب اگر کوئی چشتی یا نقش بندی یا قادری ہے، اب چشتی ہے اس کا کیا؟ چشتی روزانہ 3000 دفعہ درود شریف پڑھ کے سوتا ہے، روزانہ 3000 دفعہ درود شریف پڑھ کے سوتا ہے جو چشتی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ذکر قلب میں جاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو چشتی یا قادری ہو کے لیے، ان کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ ان کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے. دیکھو نا منزل کے لیے تم گئے نا، اب منزل جاری رکھو، تم اللہ کے لیے اب اللہ تک پہنچو نا. کسی جگہ بھی تم مارے گئے تمہارا نام شہیدوں میں ہوگا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے شہید ہو گئے. تو سب پانی دے دیں اچھا نقش بندی کیا ہوتا ہے؟ خواجہ بہلی نقش بند رحمۃ اللہ، لوگوں کے دلوں کے لفظ اللہ نقش کر دیتے، لوگوں کو نظر آتا. اگر تو کہتا کہ میں نقش بندی ہوں تو یا تیرے اندر نقش ہوگا یا نقش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ نقش بندی ہوتا ہے نا، نقش بندی کا ہر سانس جو ہے نا وہ اللہ اللہ میں گزرتا ہے، بعد میں وہ ذکر قلم میں جاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہتا ہے کہ میں قادری ہوں تو قادری میں اللہ نقش ہوگا، اس کی ہر دل کی دھڑکن اللہ اللہ کری ہوگی نا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر مکاری ہے، نہ پھر چشتی ہے، نہ نقش بندی ہے، نہ قادری ہے، بس صرف انفی ہے. اس وقت ہر آدمی اللہ کے لیے بیعت کرتا ہے جا کے، اب جو بیعت ہوتے ہیں اپنے آپ کو بیچتے ہیں، لگنی بکتے ہیں نا. اب جس سے بیعت ہوتے ہیں اس کو کامل سمجھتے ہیں نا، بھی کامل سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ ہے، تب بھی اگر بیعت ہوتے ہیں نا. لیکن اب رہا سوال کیا خبر وہ کامل نہ ہو، بھی تم نے کامل سمجھا نا، اگر وہ کامل نہ ہوا تو مارے گئے نا. اب وہ جو ان کی اولاد ہیں، کاملین کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی کامل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. جو کامل نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو کامل ہی کہلاتا ہے، تب اس کا دانا پانی چلتا ہے نا. اب اس وقت ضرورت ہے کہ تم پہلے اپنے مرشد کو دیکھو گے، تمہارا مرشد کیا ہے، کامل ہے یا ناقص ہے. اگر تمہارا مرشد ناقص ہے، یقین کرو تم جو نمازیں یہاں پڑھتے ہو یہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی. تم اس کے آگے بکی ہوئے، تمہاری نمازیں ادھر جا رہی ہیں نا، تو جدھر وہ جائے گا ادھر تم. اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو اگر تم گنہگار بھی ہو تو وہ جدھر وہ جائے گا ادھر تم. نماز نہیں بھی پڑھتے ہو پھر بھی جدھر وہ جائے گا ادھر تم. اب لے جائے گا نا بھائی، میں خریدے ہوئے جاؤ اس نے، تو جس کو خریدا ہوا اس کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا نا. اب شناخت ہونی چاہیے کہ میرا مرشد کامل ہے یا نہیں، ضروری ہے نا. اچھا کامل کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو تمہارے اندر کی مخلوقیں ہیں، یہ جب اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہوتی ہے، جب نور سے ہوتے ہیں وہ نوریوں کی طرف بھاگتی ہیں، سب سے پہلے یہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچتی ہیں. یہ چیزیں تم نہیں جاؤ گے، تمہارے اندر کی چیزیں وہاں پہنچیں گی، پھر تم کو شناخت ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں حضور پاک حیات النبی ہیں، تم کہتے ہوں گے دیکھا جو نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں ختم ہو گئے ختم ہو گئے، تم کہتے ختم ہو گئے ہوں گے، دیکھا جو نہیں ہے. پھر جب ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے، ان کو دیکھ لو گے، پھر تم کیسے کہو گے ختم ہو گئے؟ پھر تمہاری وہ گردن بھی اتار دیا کہ میں نے خود دیکھا ہے بھائی، میں کیسے کہوں گی ختم ہو گئے. پھر یہ تمہاری چیزیں سیدھی رب کو پرواز کریں گی. وہ جو تمہارا اللہ ہے، سب کا ایک ہی اللہ ہے نا، تمہارا بھی اللہ وہی ہے، ہمارا بھی اللہ وہی ہے. جب تمہارے اندر منور ہو جائے گا تو اسی طرح جائے گا نا.
जब अल्लाह की तरफ जाएगा ना ये चीज़ें जाएंगी, तो फिर जहरी जिस्म से अजूर पाक पहुँचे और इन मखलूकों से वली वहाँ पहुँचते हैं, फिर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह ताला उसको फरमाता है मैं तुझे देख लूँ तो तुम मुझे देख ले, एक दूसरे को देखते हैं प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह का नक्शा उसकी आंखों में आता है, आंखों से दिल में जाता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, अब जिसने फिर उसको देख लिया प्यार से, वो नहीं अबू जहल की तरह नहीं देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह जिसने देख लिया, फिर उसके लिए सुल्तान साहब ने फरमाया मुर्शिदा दीदार बहु मैं लख करोड़ हज जाऊं, मैं लख करोड़ दफा हज पे जाऊं अल्लाह वहां तो नहीं मिलता ना, तो यहाँ इसके दीदार से अल्लाह इसके अंदर, अगर ऐसा मुर्शिद तुमको मिल गया तो फिर जैसे भी हो सुल्तान साहब ने फरमाया आप लासी सारा हूँ, ऐसा मुर्शिद फड़े आप लासी सारा हूँ, लेकिन अब तुम्हें शिनाख्त नहीं है ना, क्या पता तुम्हारा मुर्शिद अल्लाह वाला है या नहीं, अल्लाह वाला होता अपना, अब जिस तरह चोर को चोर पहचानता है ना वली को वली पहचानता, यकीन करो तुम एक चोर पिंडी का वहां बैठा दो, पिशावर का यहां बैठा दो, एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन उनकी नजरें टकराएंगी, वो समझ जाएगा मेरा हम पेटी भाई, अगर तुम्हारे अंदर नूर है तो फिर दिल दिल से टकराएगा, तुम किसी दरबार में चले जाना, तुम्हारे अंदर नूर पैदा हो गया किसी दरबार में चले जाना, वहां भी नूर यहां भी नूर आपस में टकराएंगे, रिकत पैदा हो जाएगी, जिक्र तेज हो जाएगा ना, समझ जाएंगे कोई वली अल्लाह है, दूसरी दरबार पे जाएं चीज ऐसे ही होगा ना, फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना, अगर वहां जाकर भी टकराव होता है रिकत होती है तो तुम्हारा मुर्शिद काम पर गया, अब पक्का यकीन है आप उसके ऊपर जरा भी शक तुम्हारे को कुफर में ले जाएगा, अल्लाह नहीं समझे, जरा भी शक जो है ना तुमको कुफर में ले जाएगा, क्योंकि अब तुमको प्रैक्टिकल हो चुका है कि मेरा मुर्शिद अल्लाह वाला है, उसमें अल्लाह है, बाप बेखौफ हो जाते, लेकिन बार बार उसके पास जाता है बार बार जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, तो फिर कुछ भी नहीं है ना, उस वक्त सुल्तान साहब ने फरमाया बेहतर है कि उसको बोरी में बंद कर तो दरिया में बहा दे, वो उन चीजों का कातिल है जिन चीजों से हमने अल्लाह को पहुंचना था, जिस्म से हमने अल्लाह को नहीं पहुंचना था, वो जिस्म के जो अंदर रूह है उनके जरिए हमको अल्लाह ने पहुंचना था ना, उसने तो उनको खत्म ही कर दिया ना, कितना बड़ा वो मुजरम है, तो फिर जिधर वो जाएगा उधर तुम रिश्ते, तो लेने वाला भी मुजरम और देने वाला भी मुजरम, जरूरी है कि पहले इन लोगों को शिनाख्त, अब उसके लिए तरीके हैं तुम्हारे अंदर नूर पैदा करने के लिए, ये हर मजहब के लिए, क्योंकि जिसमें भी नूर हो जाएगा भाई, एक हिंदू है ये अल्लाह अल्लाह करेगा नूर पैदा अलग तरह चला जाएगा ना, फिर जिस मजहब के साथ अल्लाह ये भी उधर हो जाएगा ना, भाई इसको फिर तस्दीक हो जाएगी ना, मैं अल्लाह को पहुंच गया अब अल्लाह का रुख उधर मैं भी उधर हो जाऊँ, खुद खुद हो जाएगा ना, अब इसका तरीका है जो नूर बनता है, रोजाना 66 मरतबा कागज के ऊपर अल्लाह लिखो, आप थोड़े लिखोगे ना तो वो आंखों में आ जाएगा, आंखों से उसको फिर दिल के ऊपर उतारो, आंखों से दिल में चला जाएगा, फिर उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी टिक टिक, वो तुम्हारे दिल की तस्बीह है, उस टिक टिक के साथ फिर अल्लाह को मिलाओ, फिर घड़ी घड़ी जब तस्वर करोगे तो दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह कबूल कर लेंगे, अब वो काला सा लिखा गया था जो जो अंदर नूर बनता जाएगा वो सफेद होता जाएगा, फिर एक वक्त ऐसा होगा कि वो सूरज की तरह चमक रहा होगा, फिर बेखौफ हो जाना तू, अब कब्र से कितना डरता है वो, क्यों फिर कब्र, फिर फरिश्ते तुझसे डरेंगे, यकीन करो वो तुझसे डरेंगे, फिर कब्र में जाना आएंगे फरिश्ते मुनकर नकीर सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, खामोश हो जाना बिल्कुल नहीं बोलना, देखना उनको जरा उनकी हिम्मत, दोबारा फिर पूछेंगे तो तेरा रब कौन है क्यों नहीं बताता, खामोश वो गुंगा तो नहीं है, तीसरी दफा फिर पूछेंगे वो कफन उठाना ओ अल्लाह चमक रहा है, यकीन करो उनको जरूरत नहीं होगी दूसरा सवाल तुमसे पूछे,
क्योंकि उनको पता है कि ये कोई खास गौस पाक का खास बंदा, तो गौस पाक ने उनको कब्र में पकड़ लिया था, तो कहीं ये भी मुझे ना पकड़े। ये भी शायद गाय सुनी होगी, उस दिन से वो डरे हुए हैं कि गौस पाक ने उनको कब्र में पकड़ लिया था। ये भी गौस पाक का ही बंदा है, क्योंकि गौस पाक के बगैर ये अल्लाह सीने में आ ही नहीं सकता है ना। अब इसके सीने में अल्लाह ही गौस पाक का खास बंदा है, वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तू जाने तेरा रब जाने हम जा रहे। ये एक तरीका है, रात को सोने लगे इसी कम उंगली को कलम ख्याल करें, तसव्वुर से अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आए। सुबह उठे वुजू है या नहीं है परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं है, जिक्र खफी करते रहें, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिले उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी इबादत है, कोई मंजिल नहीं है। जब दिल की धड़कन से अल्लाह शुरू हो जाए उस दिन तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है। फिर कहना मैं चश्ती हूँ या नक्शबंदी हूँ या कादरी हूँ, उस दिन कहना जब तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह ला पुकार उठे। ये तरीकत है, शरीयत का तल्लुक इस जबान से है, और जब दिल अल्लाह ला पुकार उठता है तो ये तरीकत है। तो अल्लाह अल्लाह से जब अल्लाह तक पहुंच जाता है तो फिर वो हकीकत है ना। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है, फिर जब अल्लाह उसको नवाज देता है ना कुछ मर्तबा, तो वो मार्फत है ना। यहां तक पहुंचना तुम्हारा ऐन फर्ज है। किसी मुकाम पे भी मौत आ जाए, आने दो, अल्लाह की राह में मारे गए ना, ये इसका तरीका है। तो बाकी अगर किसी साहब को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, उसके बाद फिर जिक्र लें जिनको लेना है। अब अगर हम यहाँ हैं यकीन करो ना, कुछ पहले भी आए, आधे मेरे दो तीन दफा आ चुके हैं, ना तुम उससे नजराने मांगते हैं, ना तुमको बैत करते हैं। क्यों जी? वो मैं वहाँ जर्मनी में गया, कहने लगे तो क्यों आया इधर बैत करने में नहीं, सियासत करने में नहीं, नजराना लेने में नहीं। मैंने हमारी समझ में नहीं आता तू फिर क्यों आया, ना तो सियासत है ना फिर बैत है ना कोई नजराना, फिर क्यों आया? अल्लाह का हुक्म कि अल्लाह का हुक्म दिखा हमको, हम तैयार हैं दिखाने के लिए। ये हम तुमको ये जिक्र बताते हैं, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह भर गया तो अल्लाह का हुक्म ही था ना। देखो तेरे अंदर अल्लाह का शुरू हो गया तो अल्लाह का हुक्म ही था ना। तजर्बा करो, ये अल्लाह रसूल का हुक्म है, उसकी वजह से हम तुम्हारे पास आए। अब रहा सवाल, अब तुम जन्नत में जाओ या दोजख में जाओ हमें क्या परवाह है भाई, हमें तो कुछ नहीं है ना, हम तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एजेंट है। गाड़ी लेने वाला और है, देने वाला और है, और बीच में एजेंट है, हमको क्या मिलेगा? अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो गई ना, उसका हमको थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा ना। वो यकीन करो हमको इतना कमीशन मिला, अगर हम खुद भी अल्लाह ना करें तब तो हम देहरा कमीशन हमारे पास मौजूद। अब तो हमने तुमको कहा अल्लाह कर, तुमने जो अल्लाह किया ना दो गुना तो हमको मिला, अब तुमने उसको कहा अल्लाह कर दो गुना, उसमें भी हमारा हिस्सा, अब चार गुना हो गया ना, उसने उसको कहा आठ दस गुना तक ये जाता है, इस तरह ये दस गुना तक जाता है। तो इसके लिए कुछ सिलसिला है या नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, बैत हो या नहीं है। अगर बैत नहीं हो तो शनाख्त पैदा हो जाएगी, फिर बैत हो गई तो वली से जाके हो गए, अगर बैत हो फिर भी अपने मुर्शिद की शनाख्त हो जाएगी, क्योंकि अगर मुर्शिद नाकस है तो उसको आदमी छोड़ भी सकता है। शख्सियत को पाना मकसद नहीं है, मकसद अल्लाह को पाना। बल्कि जिस दिन आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे कि मैं दिल में अल्लाह लिख रहा हूँ उंगली से, आप ख्याल करेंगे मेरे मुर्शिद ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है। अगर तुम्हारा मुर्शिद कामल हुआ, इससे कठिन मामला और सबसे अहम मामला और कौन सा होगा तुम्हारे लिए? दिल पे अल्लाह लिख रहे हो और शैतान को दिल से निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है ना। अगर तुम्हारा मुर्शिद कामल हुआ ना तो तुम देखोगे वो तुम्हारी उंगली पकड़ के लिख रहा है यहाँ अल्लाह, वरना उस वक्त जो भी तुम्हारे सामने आ गया वही तुम्हारा मुर्शिद, जो भी तुम्हारे दिल पे अल्लाह लिख दे वही तुम्हारा मुर्शिद हो गया ना। इसके लिए अगर किसी को कुछ पूछना हो तसल्ली के लिए पूछ लें, तो उसके बाद फिर जिक्र लें, अपनी किस्मत आजमाएं। हाँ बताएं, नहीं इसका ये है कि जो आपने सुना होगा कि जिब्राइल एक ही है, दो नहीं है ना,
मैकाइल फरिश्ता एक या दो नहीं है ना, इसराइल भी एक या दो नहीं है, इंसान एक एक कितने बन जाता है, बन जाता है ना। गौस पाक को लोगों ने एक एक नौ जगह देखा। चलो आप लोग गौस पाक को नहीं मानते, अफलातून को तो मानते हो ना। जब अफलातून की मौत का वक्त आया ना, तो इसराइल जब जान लेने के लिए आया ना, देखा कि नौ अफलातून बैठे हुए, तो सोचने लगा मैं जान किसके लूं, पता नहीं अफलातून को होने शक साहब। ये जो चार्ट है ना, ये तुम्हारे अंदर मखलूक हैं, वो जो निशान लगे हुए हैं, ये ऊपर सात आसमान है। ये तुम्हारा मजहब भी कहता है कि सात आसमान हैं और सात जमीनें हैं और सात मूर्तियां हैं, इनका मजहब भी कहता है। हर आसमान से एक एक मखलूक अल्लाह ताला ने इस जिस्म में डाल दी, और वो जो निशान है वहाँ वहाँ उसको रख दिया। अब वो निशान, जहानों के निशान भी लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ से आई, फिर हर जहान की इलादा जिक्र है, फिर हर मखलूक का इलादा जिक्र है, वो भी वहाँ लिखा हुआ है। फिर जब वो मखलूक अपना जिक्र करती है ना, अरूज पकड़ती है, ताकत पकड़ती है ना, उस जिक्र के नूर से फिर अपने मकाम पे पहुँचती है ना, जहाँ की होती है ना, फिर वहाँ पहुँच जाती है ना। फिर तुम यहाँ बैठोगे ना, सोचोगे मैं जबरूत में सैर करनी है, तुम्हारी रूह यहाँ से निकलेगी ना, तो जबरूत में सैर करके आएगी ना। तुम सोचोगे मैंने मलकूत में सैर करनी है, तो रूह नहीं जाएगी, उसका तलक जबरूत से है। फिर तुम्हारा कलब जाएगा ना, फिर मलकूत में सैर करके आएगा ना। फिर तुम सोचोगे मैंने अल्लाह के यहाँ जाना है, तो फिर ये जो सिर वाला है, फिर वो वहाँ से निकलेगा ना, अल्लाह तक पहुँच के आएगा ना। ये तुम्हारे अंदर ये सत मखलूकें हैं, जिस तरह जिन और फरिश्ते हैं ना, इस तरह ये हैं। जिनों फरिश्तों में ताकत है ना, इनमें ताकत नहीं है ना, ये अंदर चिमटी हुई है ना। जब इनको नूर की ताकत दोगे तो नूर की ताकत से निकलेंगी, नूरियों में जाएंगी। अगर तुम इनको नार की ताकत देगी तो फिर ये नारियों में चले जाएंगी, फिर शैतानों के साथ मिल जाएंगी ना, उनको जादूगर बोलते हैं ना। ये तुम्हारे अंदर खजाना है, खा इसको नूर से ताकत दे दो, खा नार से ताकत दे दो, इसको ताकत चाहिए। तुम्हारे मजहब में जो ना वो आग के पास बैठते हैं, तीन दिन का रोजा रखते हैं, तीन दिन खाते पीते नहीं, वो आग सीखते रहते हैं, वो आग की नार इन चीजों को मिलती है, तो ये ताकत पकड़ते हैं। हमारे मजहब में बजाय नार के हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, और नूर से ये चीजें ताकत पकड़ती हैं। रूहानी दी है, आप रूहानी जो है हर मजहब के लिए, नमाज मुसलमान के लिए ना, रूहानी तो हर मजहब के लिए, अल्लाह हर मजहब के लिए ना। तो जब कोई रूहानियत के जरिए अल्लाह तक पहुंच जाता है ना, तो फिर उसी मजहब में चला जाता है ना जो अल्लाह को पसंद है। इस वक्त सबको जरूरत है, हम मुसलमानों को भी जरूरत है ना, क्योंकि हम मुसलमानों में एक दूसरे को काफिर कहते हैं ना। अब हम मुसलमानों को भी जरूरत है कि हम अल्लाह तक रसाई हासिल करें। फिर जिधर अल्लाह ने भेज दिया, हम तो बड़ी जुम्मे है ना। इन लताइफ को जो लोग कहते हैं ना, वो मूर्तियां कहते हैं, सत मूर्तियां, सात मूर्तियां, सात चक्र या सात स्टार ऐसे। हाँ, वो हिंदू कहते हैं कि सात मूर्तियां, तो ये ऊपर से नीचे आई हैं, ये हवा के ऊपर से नीचे आई हैं, ये सत लताइफ हैं। जो हमारे उसमें गुरु हैं, उन्होंने वो ऐसा बताते हैं कि ये सात हैं, पर वो जो स्पाइनल कॉर्ड पीछे होता है उसके अंदर है, ऐसे एक के ऊपर एक करके ऊपर यहाँ पे। एक मिनट, वो ऐसा बताते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब इसका आप प्रैक्टिकल करें ना, देखें तुम्हारे गुरु ने और बताया, हमारे गुरु ने और बताया, उसके गुरु ने और बताया, फिर अब इख्तलाफ हो गया ना। अब आप ऐसा करें ना, तुम्हारे भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का जो अपना नाम असली है ना, वो सुरयानी में अल्लाह है, अरबी में रब कह दिया, फारसी ने खुदा कह दिया, इन्होंने राम कह दिया, अंग्रेजों ने गॉड कह दिया, उसका असली नाम अल्लाह है, उसको सारे मानते हैं। हमने सिखों को पूछा तुम्हारा कलमा क्या, कहने हमारा कलमा ये है यीशु अल्लाह तेरा नाम, राम भी तू, रही भी तू, ये पढ़ते हैं ना, अल्लाह को वो भी मानते हैं। अब जो असली नाम अल्लाह का है ना, आप उसको अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो। ख्याल रखो, जहाँ जहाँ तुम्हारे गुरु बताते हैं ना, ख्याल रखो अल्लाह 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 करते रहो, जो तरीका हम बताते हैं उसे करो, फिर जहाँ तुम्हारी वो चीज़ होगी वहाँ हरकत शुरू हो जाएगी ना। भाई भले तुम इधर फेंको, अगर वो उधर उधर पकड़ लेगी ना, फिर तुमको खुद पता चलेगा मेरी वो मूर्ति कहाँ है। क्यों जी? ये जो जरबे लगाते हैं अल्लाह, पूरे सीने के लगाते हैं ना, तो फिर जहाँ वो मूर्ति होती है वहाँ अल्लाह जगह बैठ जाता है ना, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा अल्लाह कहाँ है, वो मूर्ति कहाँ है जिसने अल्लाह करना शुरू कर दिया।
سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم تم وہ نہیں کہتے مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہوگے بھی نہیں ہزاروں تم وہ کہیں مسلمان نہیں ہر آدمی اپنے عقیدے پہ پکا ہے لیکن ہر مذہب پکا ہے نا لیکن سارے مذہب سچے تو نہیں ہیں نا بس یہ اللہ اللہ سے اللہ تک پہنچو پھر جدھر اللہ ادھر تم بس پھر اگر وہ آراموں میں ادھر چلے جانا اگر مسلمانوں میں ادھر چلے ایسے اس میں ہماری نظروں میں سارے خالی ہیں مسلمان بھی خالی ہیں تو آرام والے بھی خالی ہیں اندر سے سارے کالے اندر سے سارے کالے ہیں زبان سے کیا کہتے ہیں ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور سگی سلطان بول رحمۃ اللہ کے کبوتر بھی اللہ کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں ولی تو نہیں بنے نا اگر طوطے کو اللہ سکھا دو کلمہ سنا کیا وہ ولی بن جائے گا ولی تو تب بنے گا جب اس کے اندر اللہ آ جائے گا تو کیونکہ اس زبان کا تعلق اس ناسور سے ہے یہاں بولو گے امریکہ سنے گا اس دل کا تعلق اوپر سے یہاں گونجے گا عرش مولا والے سنیں گے نا اس وقت یہاں بھی مسلمان ہیں سعودیہ بھی مسلمان میں شیعہ بھی مسلمان کلاتے زبان سے سارے کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک ہیں مسلمان سارے کہتے ہیں زبان سے سارے کہتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو کافر منافر کیوں کہتے ہیں دل سے تو وہ نہیں ہے نا بس زبان سے ہے نا دل سے نہیں ہے نا اگر تمہارے دل میں بھی اللہ لے چلا جائے تو پھر زبان سے بھی مسلمان تو دل سے بھی مسلمان پھر زبان سے بھی ایک تو دل سے بھی ایک فرقہ واریت ہی ختم ہو جائے نا لیکن اللہ اور تمہارے درمیان جو چیز ہے اس میں شیطان آ کے بیٹھ گیا کیونکہ تمہاری نماز دل کے ذریعے اللہ تک جاتی ہے اس میں شیطان بیٹھ گیا اب تم کوشش کرتے ہو نماز میں کہ میری نماز اللہ کی طرف جائے خیال کرتے ہو خشوع خضوع قل ہو اللہ احد خیال کرتے اللہ کی طرف نہیں وہ کہتا نہیں کارو چاٹا کو نہیں وہ تمہارا خیال وہ گھر میں لے کے جاتا ہے نا بھائی تم نہیں لے کے جاتے وہ شیطان لے کے جاتا ہے نا بہت کوشش کرتے ہو لیکن وہ تم کو پچھلی باتیں سب یاد اب کیوں نہیں یاد کراتا جب تم فارغ بیٹھے ہو جب تم نماز میں لگے پھر کیوں یاد کراتا ہے وہ تمہاری نماز کو خراب کرتا ہے یہ تمہارے دلوں میں شیطان ہے نا اور یہ جو گھر میں بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں وہ شیطان لڑاتا ہے نا بہترین کام ہے اس کے دوست میاں بیوی کو لڑا دینا آپس میں اور مولوی کو مولوی سے لڑا دینا یہ شیطان کا بہترین کام ہے اور اس کو نکالنے کا طریقہ یہ آپ سے نہیں نکلتا ہے یہ بالدین بستامی رحمۃ اللہ جب جنگل میں گئے تو ورد وظائف کریں تو شیطان پاس دور سے کھڑا دیکھے جب اللہ کی ضربیں لگائیں تو قریب آ کر ان کو ستائیں ایک دن ڈنڈا لے کے اس کو پیچھے بھاگے آج اس کو ماروں گا آواز آئی باز عزیز یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے تو اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ نور النور ہو جا تب بھی قرآن مجید میں ہے نا کثرت سے ذکر کر اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے ذکر کر خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ آپ تم آج تجربہ کر لو شیطان کیسے نکلتا ہے تم نے نماز پڑھی ہوگی نا وسوسے آئے نا اس کا مطلب ہے شیطان اندر ہے اب تم اللہ کی ضربیں لگاؤ ذرا بیٹھ کے وسوسے نہیں آئیں گے مستی آئے گی کیوں جس طرح کوا وہ تیر سے بھاگتا ہے نا دیکھ لے بھاگ جاتا ہے نا اسی طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے اب جن لوگوں کے اندر شیطان بڑا شیطان ہے وہ تم کو اللہ کرنی نہیں دیتا شیطان جو ہو دیکھنا وہ لوگ مسجد کے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے یار ان کا اپنا عمل ہے چھوڑو یہ کہتے ہیں نا کوئی بھنگ چرس پی رہا ہے ان کا اپنا عمل ہے لیکن اگر وہاں کو اللہ کر رہا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں ہم اس کو مار دیں گے مر جائیں گے یا مار دیں گے اس کو اللہ نہیں کرنے دیں گے ریکارڈنگ میں اس کو خلل نہیں ہوتا ہے وہ اللہ میں ان کو خلل ہوتا ہے وہ خلل نہیں ہوتا وہ جو اندر شیطان ہے نا اس کو آگ لگتی ہے نا کہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے نا لیکن جب تم ذکر چھوڑو گے تو مڑ کے پھر آ جائے گا نا آپ ہر وقت ذکر تم نہیں کر سکتے نا لیکن اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو اور تمہارے اندر کی مخلوق ہی اللہ علیہ کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلے گلزار جائیں گے تو یقین کرو تم ہر طرح کی عبادت کر لو رب عبادت سے کبھی بھی نہیں ملتا بڑا تحفہ ہے عبادت سے جنت مل جائے گی یہ لالچیوں کا کام ہے اگر رب ملتا ہے تو اس دل سے ملتا ہے عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے
अगर आप इबादत से दिल को साफ नहीं कर सकते तो बेकार टकरी मारते हैं, क्योंकि इबादत दिल को साफ करती है, दिल साफ होता है फिर उस दिल में रब मिलता है। तो हमारे दिल रब की तरफ जाते ही नहीं है ना, तो फिर इनकी इबादत जन्नत के लिए, फिर अल्लाह की नजरों में फिर लालची है ना। अब इसका सबूत, तुम कहते हो हम अल्लाह के लिए करते, हम कहते हैं तुम जन्नत के लिए करते हो। जब तुम नमाज पढ़ के फारिग होते हो तो कभी कहा तुमने ऐ अल्लाह तू चाहिए, ये क्या है अल्लाह हमको जन्नत चाहिए? ये कहते हो ना, फिर जन्नत के लिए कर दो, जन्नत मांगते हो ना, रब के लिए नहीं करते। और यकीन करो रब बेताब है तुमको देखने के लिए, तुम नहीं चाहते रब तुमको देखे। तुम रोज मुंह धोते हो, शेव करते हो, चमकाते हो उसको, लोगों को दिखा, लोग देखेंगे ना इसके लिए कि लोग देखेंगे यार इसको चमका लो। लेकिन जिसको रब देखता है तुम उसको तो ध्यान ही देते हो ना, और जिसको रब देखता है तुमने कभी उसको चमकाया यार इसको धोऊं चमका के जाऊं ताकि इसको रब देखे? तुम खुद ही चाहते तुमको रब देखे। अगर तुम चाहो तुमको रब देखो वो तो हाजिर है, धो साफ करो इसको। हर चीज को साफ करने के लिए कोई नहीं, कोई हथियार है, दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह। जब अल्लाह का रगड़ा लगेगा तो दिल साफ हो जाएगा, चमकेगा, तो अल्लाह ताला की बात नसीम इस दुनिया में घूमती है, बस चमकती हुई दिलों को देखती है जाओगे फिर। उस वक्त कहते हैं हावल वरीद, उस वक्त कहते हैं शरक के नजदीक, अभी वो नहीं है, अभी वो शैतान है बैठा हुआ। हम हमारे यहाँ ज्यादा क्या है, इस वक्त जो फरोग हो रहा है सुनतों का फरोग हो रहा है कि सारी सुनते अपना लो, इनके मुनारफ नहीं है, हम भी सुनतों के कायल हैं, सुनते पढ़ते हैं, सुनत रखी हुई भी है, लेकिन सुनत का काम कब आती है पहले जिसका पता होना चाहिए ना। और सुनते हैं क्या, हम आपसे पूछते हैं कि आप विचार का सुनत पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? फौरन कहेंगे हम हजूर पाक की नकल करते हैं, यही कहोगे ना? हम कहेंगे कि हजूर पाक किसकी नकल करते थे, अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ते। फिर आपके पास क्या जवाब है? फिर कहोगे कि ये हजूर पाक की अदाएं थी जो हमारे लिए सुनते बन गई, यही कहोगे ना? तो हम कहते हैं अदा उस वक्त काम आती है जब यार देख रहा हो, ये सुर्खी पाउडर तब काम आती है कि यार देखने वाला हो तो। वो तो कहता है ना दाढ़ियों को देखता हूँ तो ना तेरे सुरमे को देखता हूँ, मैं तेरे दिल को देखता हूँ। जब वो तुम्हारे दिल को देखेगा ना जिस वक्त मनोहर होगा, फिर तुम्हारी एक एक अदा का स्वाब 100-100 शहीदों के बराबर कर देगा। उस वक्त जब देखेगा तो जब वो देखते ही नहीं है तो फिर बंदे रहो। जरूरी है कि इन दिलों को पहले साफ कर, फिर तुम्हारी नमाजें भी काम आएंगी तो सुनते भी काम आएंगी, हर अदा तुम्हारी फिर उसको। और इसके बगैर, दिल के बगैर जो इबादत है ना बड़ी खतरनाक इबादत है, यकीन करो। इबादत का मतलब है आज ही पैदा होना, यही मकसद है ना। तो तुझमें तकबर क्यों पैदा हो गई? जिन नमाजें पढ़े जिन तकबर आ गया तुझमें? अगर तेरे दिल में अल्लाह अल्लाह होती तो तकबर को निकालती ना। अब अल्लाह अल्लाह नहीं है, लोग कहते हैं पांच वक्त का नमाज ये तकबर आया, वो तहज्जुद भी पढ़ता और तकबर आया ना। बेनमाजी को देखा बड़ी हकारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, और ये नहीं पता कि तकबर इज़ाज़ीला अख़बार का नमाज में वो भी पढ़ता था और यही नमाज है। फिर कहता अब मैं तो, अब हमारे उलमा ने यही बताया हुआ कि सब कुछ शरीयत में, वो कहते हैं तरीकत हकीकत मार्फत सब शरीयत में, यही कहते हैं ना। अब हमारे, हम नॉर्वे में गए तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि इसके आगे दुनिया ही नहीं है। अब अगर कुछ जाने वाला हो दुनिया में जो वहाँ जाके रुक जाएगा ना कि दुनिया है नहीं है, मैं आगे क्या बेकार सफ़र करूँ। अब ये कहते हैं कि शरीयत आगे है ही कुछ नहीं है, तो फिर जो आदमी शरीयत में लगता है ना तो कहते हैं शरीयत आगे तो है ही कुछ नहीं है ना। अब शरीयत में दाढ़ी वाड़ी भी रखनी है और रख लेता है, सुरमा भी डालो, मसवाक भी जेब जेब में डालो, सारी शरीयत अपना लेता है। जब सारी चीज़ अपना लेता है तो क्या इससे आगे तो और कुछ है ही नहीं है ना, इसका मतलब मैं तो हजूर पाक के बराबर पहुंच गया ना। तो वही कहता ना क्या इसके आगे है ही कौन ही, अगर मैं अब नहीं जा सकता अल्लाह के दीदार थे तो हजूर पाक कैसे गए? ख्वाब में हुआ
अरे आप जब यही शरीयत उन्होंने भी करी थी तो बस मेरे बड़े भाई की तरह क्यों आत्मा उनके चूमे जाओगे, उसको तो अंगूठा चूमने से भी उसको गुस्सा चढ़ता है। तो फिर ये सूखी नमाजें लेगी ना, उसको तकब्बुर बर्बादी की तरफ लेगी ना। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह आला होता, शैतान तुम्हें तकब्बुर डालता, लेकिन अल्लाह आला उसको निकालती ना। अब तुम्हारे अंदर निकालने वाली कोई चीज ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े नमाजी हो गए, वो तो बहुत बड़े मुतकब्बर हो। तो अल्लाह को मुतकब्बर ही पसंद नहीं, उसको आज ही पसंद है। इतनी मुतकब्बर हो जाते हैं कि जब भी अपना वली अल्लाह भेजता है उनकी हिदायत के लिए, तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ तो तुझसे बड़े तू किधर आ गया, फिर उसके पीछे लग जाते हैं। तो फिर जब वलियों को सताते हैं, फिर अल्लाह ताला को और गुस्सा आता, मैं इनकी हिदायत के लिए भेज रही हूँ, उल्टा उसको सता रहे। तो इसके लिए हमारा मिशन यही है कि जब तक दिल साफ नहीं होता ना, रब को नहीं मिलता, ना ही सिराते मुस्तकीम मिलता, तो ना ही अल्लाह मिलता है। और दिल साफ करने का तरीका ही है, ये कुरान हदीस से बाहर नहीं है। कुरान भी फरमाता है उठते बैठते हथा करवटे लेते मेरे जिक्र का, हदीस में भी है। तो बाकी जो नमाजें हैं वो तो फर्ज हैं, वो तो तुमको पता है पढ़नी है। एक नमाज वो है जो तुम्हारा जिस्म पढ़ता है, ये आम लोग पढ़ते हैं, इसको नमाज खुद बोलते हैं। एक नमाज वो है जो तुम्हारे अंदर की रूह पढ़ती है, उसको नमाज हकीकत बोलते हैं ना। भाई अगर तुम्हारे जिस्म ने नमाज पढ़ी, जब इसको आगे जाना ही नहीं है तो इसको नमाज पढ़ाने का क्या फायदा देना, उसको तो यहीं मर जाना ना, कब्र में चले जाना ना। तो इसका हिसाब किताब जिस्म पे नहीं होगा तो इसको क्यों नमाज पढ़ाते हैं फिर? नहीं, तुम्हारे अंदर जो रूह है ना इस जिस्म के अंदर, वो पैवस्त है, उस रूह को ये जिस्म नमाज पढ़ाता है। असल वो है, असल उसको जाना है ना। हाँ, वो इसमें पैवस्त है, रूह नसों में फंसी हुई है, ये रुकू सजूद उसको कराता है। तो फिर एक वक्त आता है कि वो रूह ताकतवर होके ना इस जिस्म से निकलती है, वो जब नमाज पढ़ती है तो वो नमाज हकीकत है ना। तो इन जिस्म चला भी गया, मिट्टी में चला गया, असल वो नमाज क्यामत तक पढ़ती रही ना, या मैं मैशे तक पढ़ती रही ना, वो असली नमाज है, उसको नमाज हकीकत बोलते हैं। नारे तकबीर, तेरा शाही मेरा शाही, गौर शाही गौर शाही। अब उस रूह को ये जो जिस्म मिला था ना, ये मकान था उसका, यहीं रह गया बस। आगे जाके उसको ये जिस्म नहीं मिलेगा, उसको और जिस्म मिलेगा जो ना जलेगा ना मरेगा ना बुढ़ा होगा, वो ये जिस्म नहीं होगा, वो दूसरा। तुम्हारे अंदर जो हकीकत है ना, वो हकीकत रूह है, बाकी ये जिस्म हकीकत नहीं है, ये आरजी है, ये उसका मकान। इसके लिए अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछे। हम तुम्हें नमाज की नहीं कहते हैं, कलमा की नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जिसने तुम्हें बजाया बनाया ना, बस उसको याद करो, खूब अल्लाह ला करो, अल्लाह ला का रगड़ा लगा के अल्लाह तक पहुंच जाओ, फिर जिधर तुम होगा तुमको भेज देगा ना। अगर तुमको उसको तुम्हारे मजहब से प्यार है तो तुम इसी मजहब में रहोगे, साथ अल्लाह भी उतरेगा, लेकिन जो उसको मजहब पसंद होगा ना उतर भेजेगा। और यकीन करो इसके अंदर अगर अल्लाह चला गया ना, तो उसको ना शियों में भेजेगा ना वहाबियों में भेजेगा, इसको सुनियों में भी नहीं भेजेगा, इसको फिर वो उम्मतियों में भेजेगा। अल्लाह मेरा शाही गौर शाही गौर शाही। उम्मती क्या होता है? उम्मती वो होता है जिसमें अल्लाह का नूर होता है। जब नूर निकल जाता है तो सुनी शिया बन जाता है ना, तो फिर जब नूर आ गया तो फिर उम्मती बन गया। उम्मत को ये भी मानते, उम्मत को ये लोग भी मानते हैं, सुनी शिया को भी मानते, सही बात है ना। सारे मजहब उम्मती को मानते हैं, लेकिन सुन्नी शिया वहाबी उसको फिर नहीं मानते ना आगे चलते, इस वजह से नहीं मानते कि उसमें हक है ही कौन नहीं अपना हक। तो सलामत या रसूल अल्लाह, तकबीर अल्लाह तकबीर हक क्या दिया। इस वक्त सुन्नियों में दो जमाते हैं जिसको सही तस्लीम करते हैं, ज्यादातर बरेलवी को करते हैं। अगर बरेलवी भी सही है, इस वक्त बरेलवी के दो धड़े बन गए आपस में, एक दूसरे मुखालिफ हो गए, और दावत इस्लामी वाले मुफ्ती गुलाम सरवर के, मुफ्ती गुलाम सरवर वाले दावत इस्लामी वाले मुखालिफ, इन अमल फिर वो भी सही को नहीं है ना। सही वो है जिसमें अल्लाह का नूर है बस, भले कोई भी। इनके गुरु नानक था एक,
وہ اپنی تعلیم میں تسبیح لیے مالا لگا رہتا, کوئی درویش آ گیا جنگل میں, اس سے ملک درویش جنگل میں, وہ بھی جنگلوں میں, پھر اس درویش نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ. میں نے کہا کلمہ تو میں اب نہیں پڑھ سکتا, میں ساری عمر میں نے اپنے مذہب میں گزار دی, میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہوں لیکن محمد رسول نہیں پڑھ سکتا. اس درویش نے کہا پھر ایسا کر, ٹھیک ہے تو لا الہ الا پڑھ اور یہ اللہ لگا. اس نے کہا یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ اللہ سے بھی نور بنتا ہے, لا الہ الا اللہ سے بھی نور بنتا ہے, لیکن میں محمد رسول اللہ کا کبھی نہیں مانوں گا. اس نے کہا نہیں مان. وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا, پڑھنے سے جب نور بنا گیا اللہ اللہ تک پہنچانا, تو پھر وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں. اسے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا لیکن جو ہی مرنے لگا نا اس کی زبان سے محمد رسول اللہ بھی جاری ہو گیا. پھر جب لاش گئی نا تو مسلمانوں نے کہا ہماری ہے, محمد رسول اللہ پڑھتا تھا, انہوں نے کہا نہیں ہماری ہے. اور پھر انگریز نے فیصلہ کیا, اس نے کہا کہ اس کو چارپائی پہ جو نا لٹاؤ, ادھر سے پیچھے سے اٹھاؤ سر کی طرف سے, یہ جس طرف گر جائے ان کا. پھر جب اٹھایا نا تو مسلمانوں کی طرف گر گیا. اور مسلمان بھی جاتے ہیں یہ لوگ بھی جاتے. کوئی بات پوچھنی ہو جو کسی کو, سوال نہیں جو باتیں پوچھیں متعلق جو ہے سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں, ذکر لینا چاہے پھر ذکر لیں, پھر قسمت آزمائیں. ان کو بھی ذکر لینا ہوگا نا, آنکھیں بند کریں نا, پڑھیں دلی دل میں. اب یہ مسلمانوں کے لیے اللہ ہو ہے, تم لوگوں کے ہو نہیں ہے, صرف اللہ اللہ. کیونکہ ہو میں ہمارے مولوی ان کو اور پریشان کر دیں گے کہ تو جل ہی جائے گا, تباہ ہو جائے گا, یہ پہلے کچے ہیں. اس وجہ سے اللہ 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 اللہ, اور مسلمانوں کے لیے اللہ ہو اللہ ہو, پڑھیں دلی دل میں اللہ 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 اللہ. بس یہ اب آپ کو ذکر ہو گیا, اب آپ ان کو بتا دیں میرے 15 تاریخ تک ہوں, 15 تاریخ تک آئے میں, جن کو بھی لا سکتے لیں, کوئی بھی غیر مسلم ہو یا دلی دل میں. یہ ہندو سکھ میں کیا فرق ہوتا ہے, بس بس میں وضو ہو یا نہ ہو لگ رہے 24 گھنٹے. اگر غصہ آئے نا تھوڑا سا یہ جلالی بھی ہے تو دروشی پڑھیں, پھر اس کو ٹھنڈا کر دیں, پھر شروع کر دیں آگ جلانا شروع کر دیں, پھر دیکھیں ذرا گرمی لگی ہے پھر دروشی پڑھیں, پھر اس کو ٹھنڈا کر دیں. آنکھیں بند کریں دلی دل کریں اللہ 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 اللہ. آپ بھی ذکر لیں گے پڑھیں اللہ 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 اللہ. بس چلو جی آپ لوگ پیچھے ہو جائیں, میرے ساتھی وہاں لگے آگے پیچھے چلے ہیں, آخر بھی پیچھے چلے اللہ. بس چلا جی ذکر لیں گے پڑھ اللہ اللہ اللہ. ابھی ذکر لیں گے اللہ اللہ اللہ.
बस पहले तो ये लोग कोशिश करें ना दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह ला मिल जाए, लेकिन अगर किसी का धीमी मिले तो फिर वो सांस के अल्लाह मिला। सब लोग गर्मी होगी वो है कैसे आएगी मुश्किल नहीं है, बस इसको ये ना जिक्र दे दो बाकी तुम समझा देना इसको, जिक्र में पढ़े अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह बस बाकी समझा दें इनको। और कोई साथी हैं जिन्होंने इसमें ये है कि जिनका दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाएगा ना वो तो लाजमी उनको अल्लाह का दोस्त बनना ही है, लेकिन अल्लाह हर किसी को दोस्त बनाता भी नहीं है ना, कोशिश तो सारे करते हैं ना, जिसमें अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए वो तो अल्लाह का दोस्त एक दिन बन जाएगा। अब जिसका अल्लाह ला शुरू ना हो क्या करे, पहले तो पूरी कोशिश करे कि उसका दिल अल्लाह ला में लग जाए, अगर दिल ना लग सके ना फिर सांस का जिक्र करना शुरू कर दे अल्लाह, क्योंकि सांस का जिक्र जो है ना वो भी हर वक्त हो सकता है, सोते में भी हो सकता है, या ये कलब का जिक्र सोते में हो सकता है, लेकिन सांस का जिक्र जो है 24 घंटे अल्लाह करेगा ना तो 24 घंटे में 24,000 दफ़ा सांस आते हैं ना, सांस के जिक्र का तलक हवा से है ना, हवा फेफड़ों तक जाएगी ना दिल तक तो नहीं जाएगी, अगर हवा दिल में चली जाए बीमारी पैदा हो जाए ना वो उसके फेफड़ों की तो सफाई हो जाएगी ना, उसका सांस अल्लाह में लिखा जाएगा ना ये इबादत है, रूहानियत नहीं होगी, जो सबूत भी नहीं आएगी कोई अल्लाह का वली बनेगा या दोस्त बनेगा, लेकिन जब दिल में अल्लाह शुरू हो जाएगी ना दिल की धड़कनों के साथ, वो जो दिल की धड़कन है वो एक घंटे में 3600 दफ़ा अल्लाह कर सकती है, ये जो सेकंड की सुई बनी है ना ये उस धड़कन से बनी है, जिक्र से वो और तेज़ हो जाती है, एक घंटे में ये 6000 दफ़ा अल्लाह कर देती है, 24 घंटे में 1,25,000 भी बढ़ जाता है, 1,25,000 से आगे कोई इबादत नहीं है। अब मुसीबत आती है आयतुल करीमा पढ़ाते हैं 1,25,000 दफ़ा पढ़ाते हैं, अगर कबूल हो जाए तो मुसीबत टल जाती है ना, अगर रोज ही तेरे अंदर अल्लाह का सवाल लगता हो जाए फिर वो मुसीबत क्यों आए, फिर जब फतह मक्का हुई असाबा क्राम के दिल 1,25,000 तक पहुंच चुके थे, उस वक्त ये आयत उतरी कि मैंने तुम्हारों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, वो आयत हर जमाने के लिए है, आज भी अगर किसी का दिल 1,25,000 तक पहुंच जाए अल्लाह कसम अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देगा, 1,25,000 दफा तुम्हारा दिल अगर अल्लाह में लग जाए ना तो ये आयशा का मकाम है। आम आदमी के लिए 5,000 दफा अल्लाह का जिक्र कर, आलम के लिए 25,000 दफा जिक्र कर, तब तुझे फजीलत है 5,000 वाले के ऊपर, तब तुझे नमाजियों के ऊपर फजीलत है, दरवेशों के लिए 72,000 दफा, अगर कोई अल्लाह का आशिक बनना चाहे अल्लाह उसका आशिक तो उसके लिए है कि ये 1,25,000 दफा मेरा जिक्र करें, भले घर में कर तो भले जंगल में जाके कर 1,25,000 दफा कर बस। तो जो जंगल में जाते हैं ना तो खाना पीना नींदें छोड़ते हैं तब 1,25,000 तक पहुंच जाते हैं, तो शहरी क्या करें जंगल में नहीं जा सकते, ये फिर कहीं से जिक्र कल्ब हासिल करें, फिर तो सोते भी रहे तो अल्लाह अल्लाह होती रहे, काम काज भी करते रहे तो अल्लाह अल्लाह होती रहे, इसका ये तरीका है। तो बात है उस जान में पूछ लो, ये तो अरबी बताएगा जी सही क्या मतलब है इसका, वो टायरों में पीछे लिखा होगा अल्लाह को हर याद रख, नहीं मकसद है बस हर
हारों की याद तो उसी वक्त होगा ना, हर वक्त कहा ना, कसर से कर, तू काम काज भी करता रहे तो अल्लाह ला भी होती रहे ना, तो हो जाती है जब तुम्हारे दिल की धड़कने अल्लाह ला में लग जाती है ना, तो फिर तुम काम काज करता रहे अल्लाह ला होती रहेगी दस्तकार में दिल यार में। फिर कोशिश करोगे मैं गाड़ी चलाता रहूं, अखबार सारा पढ़ता रहूं, अल्लाह ला होती रहे। फिर कोशिश करोगे मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ला होती रहे। फिर जो नमाज में भी जब अल्लाह ला होगी ना, अब जो जुबान में हो दिल में हो तो सच्चा है ना। अब तुम्हारी जुबान में कुल वल्ला खाद है, दिल में है कारू चाटा को नहीं मुनाफ को देना। फिर उस वक्त जब तुम्हारे दिल में अल्लाह ला होगा तो जुबान भी कहेगी कुल वल्ला खाद, दिल भी कहेगा अल्लाह 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 उसमत, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, वो दिल की अल्लाह ला तुम्हारी नमाज के ऊपर पहुँचाएगी। क्योंकि जुबान का तसरफ यहाँ गूंजते अमरीका वाले सुनते हैं और दिल का तसर्रुफ यहाँ गूंजता दर्शे मौला वाले अल्लाह। तुम्हारी नगर नमाज जाएगी इस दिल के जरिए जाएगी, तो जिसके जरिए जाएगी उसमें तुमने दुनिया फंसा ली है बस, फिर किधर से जाएगी वो, फिर यहीं टकरेंगी बस। फिर टकरें क्या है, अब तुम किसी मस्जिद में चले जाओ, जो आदमी तुमको सबसे ज्यादा आबद लगे, पाँच छः आदमी बैठो उनके पास बैठ जाओ, देखो वो उसकी भी गाबत कर रहे हैं, उसकी भी गाबत कर रहे हैं, उसकी भी गाबत कर रहे हैं, गाबत ही कर रहे हैं एक दूसरे की, तो गाबत कितना बड़ा गुनाह है। फिर गाबत से हटेंगे फिर बोतान लगाना शुरू कर देंगे, वो कितना अजीम गुनाह है। ये वो लोग हैं जो नमाजी भी हैं, नमाज भी पढ़े हैं लेकिन गुनाह में, गुनाह की हालत में। चोर ने चोरी करी थी उसका गुनहगार था ना, अब तो नहीं है ना, जब घर में आ गया तो ये नमाज पढ़े तभी गुनहगार है ना, असद है ना, मुगल है ना भाई, नमाज की हालत में भी गुनहगार है ना, तो चोर ने चोरी करी थी उसे गुनहगार था ना। अच्छा मैं बांग्लादेश में हूँ, हाँ जी, अभी आपके पैगाम में बांग्लादेश पहुँचाना चाहूँ, कहीं पूछो तो हम जाएंगे एक दो महीने में बांग्लादेश, हम बंदे हमारे पहुँच गए, पता पता इनको दे देना। वो कुर्मी टोला के इलाके में तो मेरा घर वाला चाहे ये जिक्र लेने के लिए, तुम और किसी के लिए आ जाओगे, हिंदू मेरे घर, तुम तो मुसलमान है, कहने का मतलब मेरा घर वाला चाहे मेरा बीबी चाहे, हाँ, ये चीज तो मैं उनको तो हम नहीं दे सकता नहीं, तो, नहीं तो, मतलब आपका ये जो चीज आपने समझाया ये चीज हम नहीं समझा, तुम समझा सकता है ना, हाँ, मतलब तुम उनको ये बता सकता ना कि इस दवाई में ये तासीर है, ये तासीर है, ये तासीर है, तुम दवाई तो नहीं दे सकता ना, बता सकता मैं उन लोगों को कैसे, हाँ वहाँ से दवाई लो, फिर दवाई के लिए फिर उनको आना पड़ेगा या हमको जाना पड़ेगा, आप आ रहे हैं तो बात नहीं समझे, समझ गए हम, अगर तो उनको देना भी चाहिएगा फिर भी उनको दवाई दवाई नहीं, फिर ये नूर होगा तो उनमें नूर जाएगा ना, तो जिसको इजाजत देगा फिर उसके अंदर नूर जाएगा ना, ये पहले जो नजरें हैं ना, पहले नूर इसमें आता है दिल में, फिर नस नस में आता है, फिर इन नजरों में आता है, तब कहते हैं कि दीन बुजुर्गों की नजर से पैदा हुआ, फिर जब इनमें नूर आता है ना, फिर वो तेरे दिल पे आंखें जाएंगी ना, तो तब वो दिल तेरा मुनव्वर होगा ना, तो ये तेरे दिल में नजरों में भी नूर नहीं है ना। आप दिसंबर तक हैं ना? इंशाअल्लाह क्या बोलते जी, शुक्रिया।